ड्रा वेयर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रैंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन सेम एज फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है यहां पे एक ऐसा ट्रैगल इन्होंने बोली ट्रैंगल जिसकी लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों क्या होती है मोर देन वन तो यू नो दैट ये आपकी क्या होती है इक्वी लेटरल ट्रैंगल क्योंकि देखिए इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है थ्री तो मोर देन और रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी क्या होती है थ्री उसके बाद ए ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन इसके सेकंड पार्ट में रोटेशन पे देखिए हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी इन्होंने क्या बोला है ओनली वन लाइन सिमेट्री और जिसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन नहीं होती है तो ये आपकी आएगी आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी जो लाइन सिमेट्री है वन होती है देखिए ओनली लाइन सिमेट्री होती है और उसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन वन से ज्यादा नहीं होती है तो ये आपकी क्या है आइसोस्केल आइसोस्केल ट्रायंगल और ये आपकी क्या है इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये आइसोस्केल उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा है थर्ड पार्ट एक क्वेडिलेटर विद ए रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नो लाइन सिमिट्री कम टू दर्ड पार्ट ए क्वेडिलेटर विद ए रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन जिसकी रोटेशनल सिमिट्री मोर देन वन है बट नोट ए लाइन सिमिट्री इसमें आप एक लोगे पेरलोग्राम क्या लोगे पेरलो पेलोग्राम इसमें क्या है ये कैसा ऐसा है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन है इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी मोर देन वन एंड नोट ए लाइन सिमेट्री और इसकी लाइन सिमेट्री नहीं है क्यूडिली क्यूडिलेटरल की लाइन सिमेट्री नहीं होती बट इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो क्या आ जाएगी वन उसके बाद फोर्थ पार्ट एक क्वेडिलेटर विद लाइन सिमेट्री बट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन एक क्वेडिलेटर जिसकी लाइन सिमेट्री तो है बट ए रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन लेकिन जिसकी रोटेशनल सिमेट्री वन से ज्यादा नहीं है देखिए जो यहाँ पे हमारे पास है रोमबस रोमबस की जो लाइन सिमेट्री है वो होगी क्यूर्डिलेटर विद लाइन सिमेट्री बट नोट ए रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन और इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो वन से मोर नहीं है क्वेश्चन थर्ड देखिए इफ ए फिगर है मोर लाइन सिमेट्री कोई फिगर जिसकी लाइन सिमेट्री टू और टू से ज्यादा है सुड इट है मोर देन ऑर्डर वन तो क्या उसका जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर क्या रहेगा मोर देन वन इसका आंसर आएगा यस yes. जैसे आपने ये एक इक्वीलेटर ट्रायंगल ले ली है इसकी जो लाइन सिमिट्री है वो क्या है थ्री है यानी टू और टू से ज्यादा है तो इसकी रोटेशनल सिमिट्री भी क्या है मोर देन वन मिनट से थ्री कम टू दी फोर्थ सम फील इन ब्लैंक स्केयर सेंटर ऑफ रोटेशन इसकी क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल स्केयर सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा स्केयर का फोर और एंगल ऑफ रोटेशन क्या बनेगा नाइन्टी सिमिलरली जो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा सेम इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा रेक्टेंगल का टू और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा वन एटी आगे है आपका रोमबस रोमबस में देखिए रोमबस का जो इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल होगा सेम ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा टू और एंगल ऑफ रोटेशन 180 आगे है इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलरली इसमें क्या होगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या आएगा इक्विलेटरल में इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑर्डर ऑफ रोटेशन थ्री और जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा 120 ट्वेंटी आगे है रेगुलर हैगजॉगन रेगुलर हैगजेगन में भी क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल डायगनल का इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल और जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो कितना होगा सिक्स और जो आपका एंगल है वो आएगा सिक्सटी डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन आगे है सर्कल इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर क्या रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर और यहाँ पे देखिए कितना आएगा इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट रहेगा और यहाँ पे एवरी एंगल एंगल ऑफ रोटेशन कहां पे होगा एवरी एंगल सभी एंगल पे इसका क्या होगा रोटेशन उसके बाद है सेमी सर्कल सेमी सर्कल ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा डायमीटर ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या होगा टू और ये कितना आएगा थ्री सिक्सटी सॉरी ये आपका आएगा वन एट्टी पे रोटेशन ऑफ सेमी सर्कल का टू और वन एट्टी नाउ कम टू दी फिफ्थ नेम की क्यूडिलेटर विच है लाइन एंड रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर क्या है मोर देन वन तो ये आपका क्या होगा स्केयर क्योंकि इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री ऑर्डर ऑफ सिमिट्री कितना होता है फोर नाव कम टू दिक्कत आफ्टर रोटेटिंग बाई सिक्सटी डिग्री अबाउट ए सेंटर फिगर लुक्स एग्जैक्टली दस ओरिजिनल पोजिशन एट वट अदर एंगल दिस हैपन फॉर दिस सिक्स क्वेश्चन में देखिए इन्होंने बोला आफ्टर रोटेटिंग सिक्सटी डिग्री अबाउट ए सेंटर ए फिगर लुक्स एग्जेक्टलीज ओरिजिनल पोजिशन किस एंगल पे वो दिखाई देगा सिक्सटी की टेबल यानी वन ट्वेंटी वन एटी टू फोर्टी थ्री हंड्रेड और थ्री सिक्सटी पे जो है वो एग्जेक्टली सेम होगा नाउ कम टू दी सैंत कैन वी हैव रोटेशनल सीमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन फोर्टी फाइव एंड इन सेकेंड पार्ट इज सेवनटीन डिग्री यहाँ पे देखिए यस वी हैव ए रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव थ्री सिक्सटी को कम्प्लीटली डिवाइड करता इसलिए यस yes, आएगा नेक्स्ट में नो वी हैव ए रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज सेवनटीन क्योंकि जो सेवनटीन है थ्री सिक्सटी को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा नो no.